हेलो एवरीवन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल नस में आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ लिख के रखा हुआ है तो हम बारी बारी से इसके स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके प्रूफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं को फाइनेट टोपोलॉजिकल स्पेस ये है इसका स्टेटमेंट अब इसके स्टेटमेंट को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है देखिए कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक होता है एक्स जो कि क्या है एक सेट है और दूसरा टाउ टाओ क्या है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैं तो यहाँ पे एक्स तो मैंने कोई भी सेट मान लिया है लेट एक्स बी एनी सेट एक्स कोई भी सेट हो सकता है ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में और टाओ में हम कुछ चेंजिंग करेंगे क्या चेंजिंग होगा समझते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट अलॉन्ग विद द एम्पटी सेट इस बात को समझिएगा टाओ में किस तरह के सबसेट्स आ रहे हैं देखिए टाओ में दो तरह के सबसेट्स आ रहे हैं पहला सबसेट किस टाइप का होगा पहला सबसेट या तो एम्पटी सेट हो जाए और दूसरे टाइप का सबसेट क्या है या तो उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए इन दो टाइप के सबसेट आ रहे हैं तो टाउ में बेसिकली जो भी मेंबर्स होंगे उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है पहला कैटेगरी क्या है कि जो सबसेट हम ले रहे हैं वो एमपटी हो जाए जैसे अगर टाउ का मेंबर्स हमें डिसाइड करना है कि टाउ के मेंबर्स में सॉरी टाउ में कौन कौन से मेंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए टाओ में कौन कौन से मेंबर्स आने चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें चेक करना है कि टाओ का अगर हमारे पास एक मेंबर है और हमें चेक करना है कि वो टाओ का मेंबर है या नहीं है तो हम सिंपली कैसे चेक करेंगे सिंपली हम देखेंगे कि क्या वो सेट एम सेट के इक्वल है अगर एम सेट के इक्वल है तो वो टाओ का मेंबर होगा पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर वो सेट एम नहीं है तब क्या होगा अगर वो सेट एम नहीं है तो हम चेक करेंगे कि उस सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट हुआ अगर फाइनाइट हुआ तो वो सेट क्या हो जाएगा उस टाओ का मेंबर हो जाएगा तो हमारे पास बेसिकली दो कंडीशन है उन दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सबसेट टाउ का मेंबर हो जाएगा पहला कंडीशन क्या है या तो वो सबसेट एम्पटी हो जाए और दूसरा कंडीशन क्या है या तो उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए समझिएगा इस बात को तो यहां पे यही लिखा हुआ है टाउ बी ए कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट अलॉन्ग विद्पटी सेट तो बेसिकली टाउ Tau is a collection of all those subsets of H, so all those subsets of X which uh, which uh, satisfies one of the two conditions. The first condition is either the subset itself is empty set or the complement of the subset is finite set. This two condition, if only one condition is satisfied between these two condition, then the then the subset is said to be the member of tau. So tau.

इसी को यहाँ पे इजी वर्ड में लिख दिया गया है यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी सबसेट को टाओ का मेंबर होना है तो या तो उसको एम्पटी होना पड़ेगा या तो उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको फाइनाइट होना पड़ेगा यही चीज यहाँ पे लिखा गया है दैट इज अ सबसेट ए ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाओ इफ एंड ओनली इफ आइदर ए इज टी और ए डैश इज फाइनाइट यही चीज मैंने आपको बताया है दिस ओनली हैव एक्सप्लेन इन वर्ड्स सी हियर वॉट इज रिटन इफ एंड ओनली इफ दैट मीन्स कि इफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ इफ ए बिलोंग्स टू टाउ देन आयदर दिस और दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड इफ आयदर दिस और दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन दिस ए बिलोंग्स टू टाउ द वर्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स टू डायमेंशनल इफ एंड ओनली इफ क्या है कि अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये होगा और अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये होगा यही चीज़ है इफ़ एन ओ का मतलब ये टू वे इम्प्लीकेशन है दिस इज टू वे इम्प्लीकेशन देन देन टाउ फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स टाउ जो है वो टोपोलॉजी फॉर्म करेगा एक्स पे अगर ऐसा टाओ हम कंसिडर करते हैं तो और इसी टाउ को हम कहेंगे को फाइनाइट टोपोलॉजी और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी अब इसको ये नाम क्यों दिया गया है आप ये क्लियरली समझ सकते हैं बिकॉज हियर द मेम्बर्स ऑफ टाउ आर आइदर एम्पिटी और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबसेट्स आर फाइनाइट सो द कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट सो इट इज को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस और इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल स्पेस इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स टाउ इज कॉल्ड को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस अंडरस्टैंड दिस

union all those subset of a such that a is a subset of x and a dash is equal to x minus a is finite understand this word understand this statement tau is equal to singleton phi what is here written tau is the collection of all those subset of x whose complements are either finite along with the empty set or a subset a of x belongs to tau if and only if आदर ए इज एम्पटी और ए डैश इज फाइनाइट अंडरस्टैंड दिस टाउ में दो तरह के मेंबर आ रहे हैं एक तो है एम्पटी और दूसरा ऐसे सेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो देर आर टू टाइप ऑफ मेंबर्स इन टाउ फर्स्ट फर्स्ट टाइप ऑफ मेंबर इज एम्पटी एंड सेकेंड टाइप ऑफ मेंबर इज द सेट्स हूस कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट सो हियर आई रिटर्न टाउ इज इक्वल टू सिंगलटन फाई बिकॉज In tau, phi is compulsory because here it is written either a is empty. Here, either a is empty or a dash is finite. So if a dash is not finite, then a must be empty. And if a is empty, then this empty, this empty set A will be the member of tau according to this. So phi belongs to tau, it is clear. Now what is this? This is if a dash is finite. See all those subsets of a Although sorry, all those set A such that A is a subset of X and A dash. What is A dash? Complement of A and A dash is also known as X minus A. It can be also written as X minus A. You consider A dash or X minus A, both are similar. Although set A such that A is a subset of X and A dash is finite. Here it is written a subset A of X. बिलोंग्स टू टाउ इफ एंड ओनली इफ आइदर एज एम्पटी और ए डैश इज फाइनाइट सो अबसेट एफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ तो टाउ में कौन कौन से मेम्बर्स आ रहे हैं टाओ में या तो एम्पटी सेट आएगा या तो ऐसा सेट आएगा जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो यहां पर यह एम्पटी सेट दर्शा रहा है टाउ इज इक्वल टू सिंगल्टन फाई दिस मीन्स दैट फाई बिलोंग्स टू टाउ यूनियन ऑल दो सेट ए सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स सी हियर आई हैव रिट दिस कंडीशन दिस इज दिस कंडीशन एंड वॉट अबाउट दिस कंडीशन दिस कंडीशन इज गिवेन बाई दिस स्टेटमेंट ऑल दो सेट ए सच दैट ए इज अ ए-डैश और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज फाइनाइट सो टाउ में दो तरह के मेंबर आ रहे हैं एक तो एम और दूसरे तरह के मेंबर्स क्या हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए तो ये हमारा टाउ का डेफिनेशन है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाओ सो क्लियरली वी कैन सी दैट फाइव बिलोंग्स टू टाओ क्लियरली इट इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ टाउ दैट फाइव बिलोंग्स टू टाउ सो क्लियरली फाई बिलोंग्स टू टाउ बाई डेफिनेशन ऑफ टाउ इट इज क्लियर ऑल्सो वॉट इफ वॉट इफ वी कैलकुलेट एक्स डैश वॉट इफ वी कैलकुलेट एक्स डैश ऑल्सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई यू कैन क्लियरली सी दिस एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव हियर सी वॉट हैपन्स अगर ये कंडीशन ना होता अगर ये कंडीशन ना होता अगर ए इस एम्पटी वाली कंडीशन ना होती तो क्या यह टोपोलॉजिकल स्पेस बन पाता तो बिल्कुल नहीं बन पाता इफ दिस कंडीशन वॉज नॉट देयर देन दिस टाउ कैन नॉट फॉर्म अ टोपोलॉजी ऑन एक्स वाई दिस इज सो दिस इज सो बिकॉज एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव विच इज अ फाइनाइट सेट इट्स क्लियर बट फाइव मे नॉट बिलोंग्स टू टाउ बट फाइव मे नॉट बिलोंग्स टू टाउ देखिए अगर ए एम ना होता अगर ए एम ना होता तब क्या हम फाइव को टाउ में ले सकते थे फाइव बिलोंग्स टू टाउ तो यहाँ पे हो जा रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि ये गिवन है कि या तो ए क्या हो एमप हो जाए या तो ए डैश क्या है फाइनाइट हो जाए तो ए अगर जैसे ही एम हुआ तो ए क्या हुआ टाउ का मेंबर हो जाएगा यानी एमपीटी से टाओ का मेंबर हो जाएगा लेकिन अगर ये कंडीशन होता ही ना तब क्या टाओ इस पे टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर पाता तो बिल्कुल नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता देखिए इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि तब ये कंडीशन रहता ही नहीं ये कंडीशन रहता ही नहीं तो हम इसे हाइड कर देते हैं और फिर हम इसे देखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई होता है

काउंटेबल सेट एनअेबल सेट वो द सेट आर इनफाइनाइट सेट सो हियर इट इज नॉट सर्टन दैट एक्स इज फाइनाइट अगर यहां पर ए को हम फाइव से रिप्लेस कर दें ए को अगर हम फाइव से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा एक्स माइनस फाइव क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा इसका मतलब फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या है एक्स के इक्वल आना चाहिए था और एक्स जरूरी नहीं है कि वो फ़ाइनाइट हो क्योंकि एक्स यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक्स इज एनी सेट एक्स कोई भी सेट हो सकता है एक्स काउंटेबल भी हो सकता है एक्स अनकाउंटेबल भी हो सकता है तो काउंटेबल भी एक इनफाइनाइट सेट होता है और अनकाउंटेबल भी एक इनफाइनाइट सेट होता है तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फाइनाइट ही है तो इसलिए यहाँ पे अगर ये कंडीशन ना होता तो फाई कभी टाओ का मेंबर बनता ही नहीं और जैसे ही फाई टाओ का मेंबर नहीं बनता तो टोपोलॉजी की जो फर्स्ट कंडीशन है वही वायलेट हो जाती और इस वजह से टाउ पे टोपोलॉजी फॉर्मेशन कर ही नहीं पाता तो ये समझिएगा इसीलिए यहां ए इज एमपटी वाला कॉन्सेप्ट यहां पे रखा गया है तो ए अगर एमपिटी हुआ तो ऑब्वियस है कि फाइव टाउ का मेंबर हो जाएगा और जैसे ही फाइव टाउ का मेंबर हुआ तो अगर हम फाइव का अगर हम अब हम क्या करें अब, अब देखिए फाइव जो है वो टाओ का मेंबर हो गया अब हमें दूसरा चीज़ क्या दिखाना है कि एक्स भी टाओ का मेंबर होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी इंप्लाइज दैट फाइव एंड एक्स बोथ आर हाँ द मेंबर ऑफ टाउ सो व्हाट वी हैव टू डू टू शो एक्स बिलोंग्स टू टाउ सी एक्स इज नॉट एम्प्टी टी एक्स इज क्लियरली नॉट एम्प्टी टी एक्स इज एनी सेट मे बी एम्प्टी मे बी नॉट एम्प्टी सो इफ एक्स इज नॉन एम्प्टी टी देन वॉट हैपन्स एक्स कैनॉट बी इक्वल टू फाइव

एक्स जरूरी नहीं है वो फाई के इक्वल हो जाए एक्स जरूरी नहीं है कि वो एम हो अब एक्स क्या है कोई भी सेट है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक्स एम ही हो जाए अब दूसरी चीज़ अगर एक्स को टाउ में होना है तो उसे क्या होना पड़ेगा उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना पड़ेगा तो x का कॉम्प्लीमेंट और x का हम कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करते हैं सबसे पहले हम x का कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करेंगे देखते हैं वो फाइनाइट आता है कि नहीं आता है अगर वो फाइनाइट आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो टाओ का मेंबर हो जाएगा क्योंकि यही तो डेफिनेशन है टाओ की तो यहाँ पे मैंने एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड फाइंड आउट किया हुआ है तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स विच इज़ फाई एंड विच इज़ अ फाइनाइट सेट हमें पता है फाई क्या है एक फाइनाइट सेट होता है और इस वजह से एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट आ रहा है इस वजह से एक्स टाओ का मेंबर हो जा रहा है तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को अगर देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है Now the second condition, the second condition we have to show that the intersection of two open set is again an open set. So uh, what we basically need, we need basically two open sets. So uh, now uh, I have written that now let G1 and G2 belongs to tau. Let G1 and G2 belongs to tau. This means G1 is an open set and G2 is an open set, right? Then if G1 and G2 belongs to tau, then G1 complement and G2 complement must be finite अगर जीवन और जी टू टाओ का मेंबर है तो जीवन कॉम्प्लीमेंट और जी टू कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए था सो हियर आई हैव रिटन देन जीवन कॉम्प्लीमेंट एंड जी टू कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट सेट जीवन कॉम्प्लीमेंट एंड जी टू कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट सेट एंड इफ जीवन कॉम्प्लीमेंट एंड जी टू कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट सेट देन द यूनियन ऑफ दीज बोथ सेट्स इज ऑब्वियस फाइनाइट सेट अगर ये दोनों फाइनाइट सेट हैं तो इन दोनों का यूनियन तो ऑबवियस है वो भी फाइनाइट सेट होगा सो दिस इंप्लाइज g1- यूनियन g2- इज अ फाइनाइट सेट फर्स्ट वी हैव डन फर्स्ट वी आर कंसीडरिंग टू ओपन सेट्स नाउ सिंस दीस बोथ दीस बोथ सेट्स आर ओपन सेट सो इट्स कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी फाइनाइट सो g1- एंड g2- आर फाइनाइट सेट अगेन if these both sets are finite set then the union of these both sets may be must be finite set so this implies g1 dash union g2 dash is also finite set now what happens now here consider here g1 dash union g2 dash is a finite set and this implies g1 intersection g2 whole dash is a finite set g1 dash union g2 dash is written as g1 intersection g2 dash the complement of द यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीवन एंड जी टू इज रिटर्न एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जीवन एंड जी टू एंड बाई विच लॉ बाई डी मॉर्गनस लॉ डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि जीवन इंटरसेक्शन जी टू डैश क्या हो जाएगा जीवन डैश यूनियन जी टू डैश यहाँ पे डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह अगर G1 यूनियन जी डैश हुआ तो ये क्या हो जाएगा G1 डैश इंटरसेक्शन जी डैश इंटर ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे डैश क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा ये होता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या है जीवन डैश यूनियन जी डैश यहाँ पे फर्स्ट वाला कंडीशन है तो जीवन डैश यूनियन जी डैश को हम क्या लिख सकते हैं जीवन इंटरसेक्शन जी टू होल डैश द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जीवन एंड जी टू सो दिस इंप्लाइज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जीवन एंड जी टू इज अ फाइनाइट सेट बाई डी मॉर्गन्स लॉ एंड क्लियरली वी कैन सी दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जीवन एंड जी टू और आई से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीवन इंटरसेक्शन जी टू इज फाइनाइट सेट and this means the complement of complement of g1 intersection g2 is finite so g1 intersection g2 must be the member of tau this implies g1 intersection g2 belongs to tau by definition of tau so what here we are seeing that the intersection of two open set is again an open set and this is the second condition of topology now the third condition now let gi belongs to tau for all i belongs to index set then gi dash are finite sets for all i belongs to index set in the third uh, postulate in the third condition we have to show that the union of union of arbitrary number of open set is again an open set we our objective is to show that union of arbitrary number of open set is again an open set so what we are showing that now let we are considering gi belongs to tau for all i belongs to index set this is what are these these all are open sets and index set here may be finite may be infinite may be countable may be uncountable any type of set then see if gi is the member of tau then gi dash must be finite set if gi's are the member of tau gi's are the open sets then gi dash must be finite sets for all i belongs to index set so this is obvious by the definition of tau now this implies what this implies that the intersection of i belongs to index set gi dash is again a finite set why this is so because all gi dash are finite set and we are taking intersection not union the intersection the concept of intersection is that it reduces the size of the set so here we can take intersection so the intersection of gi dash is a finite set and what if if here was union what if if here was union we cannot say anything about the union union may be infinite set union may be infinite set but we are talking about the intersection what happens in intersection the size of the set is decreased so, if GIs are finite set, then the intersection of GI, uh, sorry, intersection of GI dash are much smaller than these GIs. And if the supersets, if the superset are finite, then the subset is obviously finite because the intersection of GI dash are the subset of all GIs, all GI dash. Right? So, uh, what I am trying to say that the intersection of GI dash are the subset of all GI dash. So this gi dash are what superset of this set. So if the superset are finite, then the subset of obviously finite. I am trying to say that if the superset are finite sets, then the subset are obviously finite set. So the intersection gi dash is a finite set, and this implies again by the De Morgan's law, this intersection is changed into union gi dash is changed into gi. And the complement is raised over whole dash. Consider this thing. This was the intersection of all GI dash. The intersection of the complement of the GI dash. And this is the complement of the union of GIs. It is also written by De Morgan's law. In this, we have uh, considered, we are considering this part. This part. सी डी मार्गन्स लॉ आर वैलिड फॉर फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सेट्स सो दिस इज ऑल्सो वैलिड आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ़ सेट है तो कैसे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सेट पे वैलिड हो गया क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ एक जनरल लॉ है ये फाइनाइट सेट पे भी वैलिड हो जाता है फाइनाइट नंबर ऑफ सेट पे भी वैलिड हो जाता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट पे भी वैलिड हो, हो जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ जी आई इज़ फाइनाइट सेट And complement of this set is finite, so this, is, this set must belongs to tau. So this implies union of I, union of Gii belongs to index and belongs to tau by definition of tau. And this is the third condition of a topology. So what I basically see that what we basically see that the first condition is satisfies is satisfied by these two conditions. The second condition is satisfied by this and the third condition is satisfied by this. So overall we can say then this tau must form a topology on X and this type of topology is known as cofinite topology or finite complement topology and X tau is known as cofinite topological space. तो ये था हमारा आज का थ्यूरम हो आप लोग को समझ में आया अगर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टोपोलॉजिकल स्पेसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हैव अ नाइस डे